किसानों के आंदोलन को बढ़ चढ़कर समर्थन मिल रहा है। करनाल में भी किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस सेवा दल की ओर से देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में लघु सचिवालय के सामने रोष प्रदर्शन किया गया है। वहीं हरियाणा से दिल्ली जाते वक्त किसानों पर जो अत्याचार हुए एवं प्रतिरोध हुआ उसको लेकर नाराजगी जताई गई। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने किसानों के पक्ष में 3 कृषि काले कानूनों को निरस्त करने की मांग की। साथ ही जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस सेवा दल के नेता जोगिंदर चौहान ने बताया कि किसान देश का अन्नदाता है और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्नदाता का अपमान कर रही है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कफन में कील का काम करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को हर प्रकार से सहायता मुहैया करवाएगी। किसानों को खाने पीने एवं अन्य जरूरत का सामान कांग्रेस सेवा दल की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेसी युवा दल के नेता नरेंद्र जोगा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने मौजूदा सरकार के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी ताकतों के नाम पर जो किसान आंदोलन को गलत साबित करने का काम कर रही है बेहद निंदनीय है, क्योंकि किसान किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होता, वह अपनी जमीन का सीना चीर कर देश के लिए अनाज पैदा करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तुरंत प्रभाव से 3 कृषि कानून जो किसानों के हित में नहीं है उनको रद्द करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ प्रीति काद्यान। हम मौजूद है करनाल के सेक्टर 12 में। यहां कांग्रेस सेवा दल के कुछ कार्यकर्ता है जो कि यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 8 दिन हो चुके हैं आज किसानों के प्रदर्शन को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। हर रोज़ कोई ना कोई वर्ग, हर एक नागरिक भारत का इससे जुड़ना चाहता है, तो ये लोग भी अपना समर्थन देने आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आप सर इकट्ठा क्यों हुए हैं सबसे पहले? आज हम इकट्ठे हुए हैं राष्ट्रपति को ज्ञापन DC के माध्यम से देने के लिए, सिर्फ इसलिए कि ये किसानों के ऊपर जो अत्याचार करे है और किसानों को बर्बाद करने की साजिश जो ये सरकार रच रही है उसको ख़त्म करने के लिए, और उसके मुख्य मांग मारी ये है कि 3 विधेयक जो इन्होंने किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए हैं उनको पूरी तरह राष्ट्रपति अपने अधिकार से खारिज करे और इन किसानों को बचाए, जो कि पूंजीपतियों के थ्रू इनको भारत सरकार बर्बाद करने जा रही है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है किसानों को समर्थन देना है कांग्रेस सेवा दल की तरफ से। सर आज मीटिंग होनी है, आपको क्या लगता है कि कोई हल निकल पाएगा आज? देखो, हल तो अभी निकलेगा। हम तो ये कहते हैं कि जो ये किसानों के साथ हो रहा है ये बहुत अत्याचार हो रहा है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय किसान के नारों से। सर आपसे पूछना चाहूंगी, सरकार कह रही है कि इन कानूनों में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि किसान का नुकसान हो, लेकिन किसान फिर भी जीत पड़े, आपका क्या मानना है? अब ऐसा अपना किसान गुलाम हो जाएगा, कोई पर्सन खरीदेगा गवर्नमेंट करेगा उसका गुलाम होकर बैठ जाएगा। पहले गुलामी अंग्रेजों की गुलामी होगी, फिर इनकी गुलामी होनी पड़ेगी, इसलिए हमारे को सौ को घाटा जी इसके ये पैदा नहीं हुआ। आज जो मीटिंग रखी गई है उसके बारे में क्या आपको लगता है कि हल हो पाएगा? ये हल देखो जी 12 बजे वहाँ पर मीटिंग है, देखो हाल उनके अंदर है कितने में हाल देखो करेंगे नहीं, हम बैठे हैं सड़कों पे। मैडम आप एक लेडी है और जो आंदोलन में भी लेडीज़ पहुँची हुई है काफ़ी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उन अपने किसान भाइयों के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि उन्होंने जो दिन रात एक करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, उनके लिए नहीं है। अरे जो ये पास कर रहे हैं ना कानून, उनको को एक बार खुद जाके किसानों की तरह एक रात वहाँ गुजार के दिखाएं कि कैसे किसान झेलते हैं। कोई कुछ चीज़ भी खा सकती है, उनको कुछ भी, इतनी मेहनत करने के बाद उनको मेहनत का फल नहीं मिला तो वो तो सारे गुलाम हो जाएंगे ना, और मैं इस गुलामी के भी हक में नहीं हूँ।
मैडम सरकार कह रही है कि कानूनों में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो विपक्ष की पार्टी है उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो कांग्रेस है वो किसानों को भटका रही है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है जो हमारे किसान भाई हैं अपने घरों से बाहर निकले पड़े आज के टाइम में सर्दी में, ये कोई पागल थोड़ा नहीं है, ये बेचारे रात दिन अपने बच्चे की तरह अपनी फसल पालते हैं और उस फसल को इन्होंने एक ऐसे मदारी की तरह इन्होंने फसल का लीलामी कर दी, ड्रामा कर दिया, मंडियों में ना उतार कर फसल को इन्होंने जगह जगह अड्डे बना दिए। सरकार क्या करना चाहती है देश के लिए, क्या कर रही है सरकार किसानों के लिए, क्या कर रही है? किसान मार दिए इसने, जिम्मेदार खत्म कर दिए इसने, आड़ती खत्म कर दिए इसने, ये सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद सरकार, मैं इस सरकार के निंदा करती हूँ कड़े शब्दों में। जो हमारे किसान भाई हैं दिन रात खेत में काम करते हैं, अरे एक दिन मोदी या ये खट्टर साहब जाके खेत में देखे तो सही, डोल पे चल नहीं पाएंगे, ये गिर जाएंगे। रात को पानी में बेचारे ऐसे खेत में जाते हैं, सांप से नहीं डरते, जिनावर से नहीं डरते, ये ऐसे अपनी फसल को पालते हैं जैसा इंसान अपने बच्चे को पालता है। जिम्मेदार के बारे में इनको क्या पता, हर चौक पे उन्होंने कैमरे लगा दिए। ये किसानों के लिए अगर कुछ करें, अरे इतने करने वाले हैं ना खेत में कैमरा लगा के देखे ना ये बैठ के किसान कैसे अपनी फसल को पालता है और किसान की फसल को बर्बाद कर दिया। आज किसान सड़क पे उतर गया, इसने हद कर दी, जब किसान की बेचारे की जिंदगी तबाह कर दी इन्होंने। जो मोदी सरकार ने किसान के साथ करा बहुत गलत करा, और किसान के सम्मान में सेवा दल आई मैदान में, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है इसको, किसान भाई को, किसान भाई के लिए हम दिन रात जो हमारे से बन पाएगा हम करेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, जो हमारे से सेवा बन पाएगी हम करेंगे, इनके साथ हैं हम, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। किसान भाई अगर ना हो, देश की बुनियाद है किसान, देश अगर किसान नहीं काम करेगा तो देश कहाँ से पलेगा, कहाँ से खाएंगे, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? एक गाड़ी भी ना सर सकता इंसान को, लेकिन एक महंगे फोन भी ना सर सकता है, लेकिन किसान के काम करे बिना नहीं सर सकता। अगर किसान खेत में नहीं काम करेगा, किसान आज हड़ताल करके बैठ जाए, अपना अनाज ना बेचे, देश भूखा मर जाएगा, देश इन्होंने बर्बाद कर दिया, देश इनका गुलाम है क्या? सरकार कह रही है कि अगर बातचीत करोगे तो बातचीत से हल निकला जा सकता है। क्या दिन हो लिए किसान भाई वहाँ पर पड़े हैं, क्या दिन हो लिए, दिल्ली में उनको अंदर घुसने तक नहीं दिया, उनपे पानी की बौछार कर दी, उनको लंगर तक नहीं जाने देता, पकड़ पकड़ के उनको अंदर रेस्ट करने लग रहे, मारने लग रहे, इतनी सर्दी में उनको पानी की बौछार करने लग रहे। जमींदार का तो जीना आराम कर दिया इन्होंने, इन्होंने आड़ती का, जमींदार का, एक गरीब मजदूर का, किसान का, इन्होंने एक ऐसा देश भ्रष्ट कर दिया। ये देश भ्रष्ट सरकार है, ये सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर किसान डटे हुए हैं अपनी पूरी जिद पर, मैं इसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट और कहना चाहता हूं, अगर आप किसान का सचमुच में भला चाहते हैं तो जैसा किसान भाई एक हफ्ता से महीनों से मांग कर रहे हैं, भाई जो आपने तीन काले कानून लिया इनको वापिस ले लो, तो हम भी यही कहते हैं सेवा दल के माध्यम से कि किसान भाई और गरीब मजदूर सभी प्रस्तावों का विरोध कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं इसके किसान के पक्ष में इसको ले रहे हो? तो अगर किसान को उन्नति करनी है, उनका विकास करना है, तो जैसा वो कह रहे वैसा करो। नहीं तो आप किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? हम किसान के समर्थन में इकट्ठे हुए हैं, किसान मरेगा तो हम भी मरेंगे। अगर किसान के पास कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए मैं पैसा नहीं होगा, बाजार भी भूखा मरेगा। किसान ने जन्म दिया रोडों को, किसान ने जन्म दिया रेल को, किसान ने जन्म दिया जहाजों को, और किसान ने जन्म दिया लीडरों को। अगर किसान भूखा मरेगा तो सभी भूखे मर जाएंगे। किसान तो दिल्ली में धरना दे रहे हैं ना, तो अगर आप उनका साथ देना चाहते हैं तो आप वहाँ जाइए। हम डीसी के माध्यम से ज्ञापन भी देंगे और कल जाएंगे वहाँ से किसानों के समर्थन में, अभी जा रहे हैं, तो ज्ञापन देने के बाद तुरंत प्रस्ताव कर देंगे यहाँ से। हम लेट नहीं है, हम शुरू से किसानों के जो खाने का इंतजाम करना या किसी तरह की हेल्प देना, मेडिकल हेल्प देना, हमने अपने साथियों को सबको कह रखा है, जो डॉक्टर हैं हमारी टीम के अंदर
वे वहाँ पर जाएं और अपने अपने थैले लेकर जाएं, और जो किसान है वे कच्चा राशन जो गुरुद्वारे वाले वहाँ लंगर बना रहे हैं उनको देकर आए। आज भी नरेश मारा साथी लंगर लेकर गया, सवेरे 9 बजे निकल गया है और अब 11 बजे वो पहुँच लिया वहाँ पर। नरेश शर्मा हमारा साथी सामान लेगा, कच्चा सामान लेगा, कच्चे सामान का मतलब है पनीर ले गया और आटे के और चावल की थैलियाँ ले गया, और जो सब्जी मंडी से उठाई उन्हें 3 क्विंटल के करीब सब्जियाँ उठाई हैं वे लेकर गया है। सुबह 9 बजे हमने वो चलता कर दिया था। हम आज का कार्यक्रम DC को ज्ञापन देना है राष्ट्रपति के नाम, और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रपति अपनी पावरों का यूज करते हुए इन किसानों को बचाने की मुहिम करें और कि इस देश को बचाए, क्योंकि किसान मरता है तो 80% जनता मरती है, सारे उद्योग सारे छोटे दुकानदार किसान के ऊपर निर्भर है। वो किसान मरता है तो वो पर भी मरता है, छोटा दुकानदार भी मरता है और मजदूर भी मरता है। तो ये थे कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता, इन्होंने बताया कि ये किसानों के पूरे पूरे समर्थन में है, जब तक किसान बैठे रहेंगे ये भी किसानों के साथ रहेंगे। आज लगभग 7-8 दिन होने को है किसानों के इस प्रदर्शन को, और अब ये यहाँ DC को ज्ञापन सौंप के दिल्ली के लिए चलने ही वाले हैं। आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ मैं प्रीति काद्यान, नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.